ओम ज्ञानतिमिरामुदस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वैदग्ध सिंधुर अनुरागिक सिंधु वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपायिक सिंधु लावण्य सिंधुर समूर्ति कृपायिक सिंधु श्री राधिके स्फुरति मे हृद के लि सिंधु वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री हरिदास ठाकुर जी किसी तरह से भगवत नाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, मतलब भले ही मेरे शरीर को बट्टी बट्टी कर काट क्यों नहीं डाले तब भी मैं अपना मुंह से भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। शिक्षा देते हैं भले ही जीवन में जितने बाधा विपत्ति क्यों नहीं आए, भले ही ये दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान का नाम हमारे मुंह से नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लेकिन जब इनको 22 बाजार में पिटाई करने का बावजूद भी जब उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़े, मुसलमान लोग डर गए, बोले अगर तुम नहीं मरोगे तो काजी तो हमें ही मार डालेगा, बोले मेरे वजह से तुमको दुख होगा, कोई बात नहीं, इन्होंने वहीं पर समाधिस्थ हो गए हैं, वहीं पर समाधिस्थ हुए। और जब उनको शरीर को लेकर के गंगा में बहा दिया, फिर हरिदास ठाकुर दूसरे तरफ लगे, फिर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम करते हुए आए हैं। और जब आए बोले भैया ये तो जिंदा पीर है, ये जीवंत महापुरुष है, इसलिए स्वयं राजा जा करके उनको स्वयं राजा भी माफी मांगे, मेरे अपराध को माफ कर दो। लेकिन हरिदास ठाकुर तो माफ कर दिया लेकिन उनका चरण धूलि माफ नहीं किया है। जो लोग मारे थे पूरा वंश समेत सबके सब खत्म हो गए हैं, वंश समेत खत्म हो गए। तब हरिदास ठाकुर बाद में
जब आए वो कहते हैं भगवान के मैंने क्यों मेरे को इतना दंड मिला, बोले कारण है मैंने इन्हीं कानों में मैंने भगवान की मैंने बुराई सुना है, उनकी मैंने निंदा सुनी है, इसलिए भगवान हमें इतना दंड दिए और ज्यादा दंड नहीं दिए, थोड़े देकर के हमें माफ कर दिया। तो यहाँ पर प्रभुपाद इस विषय पर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, हम सुनेंगे प्रभुपाद क्या बोलते हैं। हाँ, कहते जो हरिदास ठाकुर जी है, हैं, कहते ये कोई कर्म फल का अधीन व्यक्ति नहीं, जो कर्म फल है ये साधारण व्यक्ति के ऊपर में ये कर्म फल का भाग्य होता, लेकिन हरिदास ठाकुर ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये ब्रह्मा और श्री प्रह्लाद ये दोनों मिल करके श्री हरिदास ठाकुर दोनों ही भगवान की शुद्ध भक्त हैं। एक तो पितामह ब्रह्मा है हमारे आदि गुरु और एक भक्त श्रेष्ठ श्री प्रह्लाद महाराज, बोले अपैत नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोहित भेदम। कहते जो भगवान का जो नाम है ना, कहते बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को भी कर्म फल नहीं छोड़ता है, कर्म फल सभी को भोग करना पड़ता है, जो कर्म कर भोगना पड़ेगा है। कहते बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी है उनको भी ये कर्म फल नहीं छोड़ता है मुक्त होने पर भी, लेकिन भगवान का नाम में इतने शक्ति है, कहते केवल नाम आभास से ही है, केवल नाम आभास से ही क्या हो जाता है जीव को मुक्ति मिल जाती है नाम आभास से है। इसलिए उसको प्रारब्ध अप्रारब्ध फूट बीज सब के सब उसका नष्ट हो जाता है। कहाँ हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त है, इनको ये कहते हैं मैंने ये कानों में मैंने निंदा सुनी है ना भगवान, इसलिए हमें दंड दिया है, लेकिन थोड़ी दंड देकर ठाकुर छोड़ दिए। कहते नहीं, ये लोगों को शिक्षा देने के लिए हरिदास ठाकुर जी ये लीला करते हैं, हैं? यहाँ पर शिक्षा देते हैं। भगवान ने क्या बताए, चैतन्य महाप्रभु भक्ति करना तो हमें चार गुण में हमें गुणी होनी चाहिए। चार गुण क्या है, बोले त्रिनादपि सुनिचे न तर रपि सहिष्णु न अमानी नांग मान देना कीर्तनिया सदा। ये महाप्रभु का धर्म है, है? त्रिन से भी ज्यादा दीनहीन, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु और स्वयं अमानी और दूसरों को यथाजोग्य मान प्रदान करो, ये नियम है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन ये चार नियम तो पालना करनी चाहिए, लेकिन सब जगह में नहीं है, सब जगह में नहीं, कुछ सहजिया लोग हैं, बोले नहीं भैया महाप्रभु ने बताया त्रिन से भी दीनहीन बनो, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु बनो, सबको आदर दो कभी अधर्म, इसलिए कहाँ पर, सब जगह में नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई भगवान की निंदा करता है, कोई साधु संतों को कोई निंदा करते हैं, हैं? अगर उसी समय कोई बोले भैया त्रिनादपि सुनिश्चित बननी चाहिए, हैं? गुरु जी की निंदा हो रहा है, वैष्णव का निंदा, कृष्ण का निंदा, यहाँ पर कह रहे हैं अगर कोई भगवान की निंदा कोई श्रवण करे ना, उसको के लिए एक अलग नरक तैयार हो। कौन सा नरक, बोले कुंभीपाक नरक। ये कुंभीपाक नरक में कौन जाता है, सबसे जो अपराधी व्यक्ति उनको ये कुंभीपाक नरक प्राप्त होता है, लेकिन जो व्यक्ति गुरु वैष्णव का निंदा और क्या भगवान की निंदा सुने तो उसको कुंभीपाक नरक में जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुरु वैष्णव का निंदा सुन रहे हैं, हैं? गुरु वैष्णव का निंदा कहीं हो रहे हैं, ठाकुर का निंदा हो रहे हैं, अगर बोलने के भैया त्रिनादपि सुनिचि बनो, बोले नहीं, यहाँ पर शास्त्र कह रहे हैं उसको द्वारा क्या होता है, अगर कोई गुरु वैष्णव का निंदा सुने, कहते भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, कहते तुम्हारी जितने सारे सुकृति खत्म, सारे सुकृति खत्म, अगर तुम वैष्णव का निंदा सुना तो है, गुरु जी का निंदा सुना सारे सुकृति तुम्हारे गई तुम्हारी, और फिर नरक गति। फिर क्या है, कहते अगर ताकत रहे ना, जो व्यक्ति गुरु वैष्णव का निंदा ठाकुर का निंदा उसको जीवा काट दो, क्या करो, जीवा उसको काट दो, नहीं तो वहीं पर अपना प्राण को विसर्जन दे दो, अपना प्राण त्याग कर दो, हैं? अगर ये नहीं कर सके तो, कहते ये अगर ये नहीं कर सके, अगर तुम्हारी उसका जीवा काटने का तुम्हारी अंदर में ताकत है नहीं, जीवा नहीं काट सकते हो। हाँ, यहाँ पर जो जीवा काटने का बात आया है, दो तरह के जीवा, अगर समर्थ हो तो जीवा काट दो, अगर असमर्थ हो तो क्या करो,
युक्ति शास्त्र तत्व को द्वारा क्या करो, उसको जीवा को स्तब्धभूत कर दो, क्या करो उसको परास्त करो तर्क वितर्क द्वारा। ऐसे नहीं ठाकुर का निंदा हो रही है, गुरु वैष्णव का निंदा हो रहा है और तुमने वहीं पर कान लगाकर सुनकर वापस चले आए हैं, नहीं वापस नहीं आना, क्या करना गुरु वैष्णव से हम लोगों ने जो कथा सुना है क्या करनी चाहिए, उसको जीवा को स्तब्धभूत कर दो। स्तब्धभूत समझ रहे कि नहीं, शास्त्र विचार को द्वारा उसको खंडन करो, है उसका खंडन करो। लेकिन अगर तुम इतने शास्त्र ज्ञान नहीं तुम्हारे अंदर है, अगर दुष्ट बदमाशी उस समय क्या करो, अपना कान में अंगुल डाल दो, क्या करो कान में अंगुल डाल दो, डाल करके आओ और अपना सब वस्त्र को साथ में गंगा में स्नान करो और एक दिन भूखे रहो, एक दिन भूखा रहो, खाना मत खाओ, क्योंकि तुमने ठाकुर का निंदा सुने है ना, ठाकुर का निंदा सुने, गुरु वैष्णव का निंदा सुने। इसलिए हमें जो शास्त्र विचार को हमें अच्छे तरह से जाननी चाहिए, जाननी चाहिए। अगर शास्त्र विचार अच्छे तरह से नहीं सुनेंगे ना क्या होगा, कहीं गुरु वैष्णव का निंदा हो रहा है सुनकर चले आएंगे। इसलिए सिद्धांत बोलिया चिते नाकर अलस जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ विश्वास। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत थोड़ा कठिन, जैसे तुम लोग श्लोक याद कर रहे हो, दिन में नींद नहीं आती हो, रात में भी नींद नहीं आती है, कल सवेरे श्लोक बोलना पड़ेगा, हाँ हमारे श्री महाराज जी प्रश्न पूछेंगे, श्लोक ऐसे श्लोक याद नहीं होता है। मैं देखता हूँ तुम लोग इधर कथा तो सुनते हो, सामने सामने क्या है, सामने काफी रखा हुआ, हाँ काफी रखा हुआ याद कर रहे हो, हैं इसलिए मन मना भव मद भक्त भव मम जन, इधर कथा हो रही है उधर श्लोक चल रहा है, हैं तभी तभी कोई श्लोक हमें पता है ना, जब मथुरा में महाराज थे ना, जब मथुरा में महाराज थे हमारे नारायण गोसाई महाराज, रोज रोज श्लोक पूछते थे सबको। इसलिए हर घर घर में जाकर के देखो, चेत दर्पण मार्जन भव महादावाग्न निष्पापन चेत दर्पण मार्जन, जब सबके सब क्योंकि सबके सामने गुरुदेव सबके सामने पूछेंगे, सबको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो भैया वहां पर तो, यहाँ पर तो इतने गृहस्थ भक्तों को यही नहीं, यहाँ पर तुम ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, और वहां पर सारे गृहस्थ लोग बैठे हुए थे, अगर उनको सामने नहीं बोल पाए तो बड़ी लज्जा की बात है। इसलिए दिन भर क्या करते सब ब्रह्मचारी श्लोक, और कोई गुरुवर्ग का तिथि आ गया ना, एकदम सब ब्रह्मचारी तैयारी होकर के आएंगे कि गुरुदेव सबको खड़े करेंगे, तुम बोलो तुम बोलो, एकदम 10 दिन से 15 दिन से तैयारी करते हैं, हैं तैयारी करते। इसलिए कभी कभी महाराज जी बोलते हैं हाँ ये बड़े दिन से तैयारी कर रहे हैं, ये बड़े तैयारी में लगे हुए थे। इसलिए हाँ इसलिए क्या करनी चाहिए, शास्त्र सिद्धांत को हमें जाननी अच्छी तरह से जाननी चाहिए। इसलिए हमारे बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, हैं बामन गोस्वामी महाराज कहते, देखो वो व्यक्ति उतना बड़ा वैष्णव है हमारी गौड़ी और फिलोसफी को जो जितने अच्छे तरह से समझाए, वो कहते थे हमारी गौड़ी और फिलोसफी। इसलिए जब कोई सन्यास लेने का बात करता था ना, गुरु वैष्णव तो अपने आप देते थे, सन्यासी देते थे जिसकी योग्यता को देख कर देते थे, अगर कोई जोर जबरदस्त मारे सन्यास तो गुरुदेव बोलते बताओ चार संप्रदाय का विचार बताओ, हमारे चार संप्रदाय का विचार बताओ, बस वो विचार साधारण बात है ही नहीं, विशिष्टा द्वैत द्वैता द्वैत शुद्धा द्वैत है, ये तो द्वैत द्वैत अभी बताओ सन्यास लोग ना बताओ संप्रदाय का विचार बताओ। इसलिए बामन गोस्वामी महाराज कहते थे हाँ, इसलिए सिद्धांत बोलिया चित ना कर अलस, जो सिद्धांत तत्व है थोड़ी कठिन है इसलिए अलसता मत करो, बोले जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, इसको द्वारा क्या होगा, भगवान में तुम्हारी जो मन है दृढ़ पूर्वक लगेगा। जैसे कहीं गए कहीं गए तो किसने भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, अरे भगवान को किसने देखा, भगवान को देखा तुमने, भगवान भगवान करे भगवान को देखा, नहीं तो कोई दूसरे मतवाद का हो ब्रह्मवादी हो, नहीं तो अलग अलग मतवादी, अगर तुमने वो उल्टा पुल्टा बोल दिया और तुम चुपचाप रह गया, चुपचाप सुनकर चला गया, फिर क्या होता है, कभी कभी हमारी मन में अपना धर्म के ऊपर में ना शंका हो जाता है, अपना धर्म के ऊपर में शंका हमारी हो जाती है, भैया ये तो सही बता रहा था, ये तो सही बताया, फिर क्या हो जाता है, संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय आत्मा है वो विनाश है। भक्ति विश्वास दृढ़ता के ऊपर में भक्ति
निर्भर करता है, हाँ दृढ़ता के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए सिद्धांत तत्व दर्शन हमें जाननी चाहिए। जो जितने अपन गोस्वामी महाराज कहते थे, जो जितने सांप्रदायिक विचार को जो जितने अच्छे तरह से जानता है, वो उतना ही श्रेष्ठ वैष्णव है। हैं, अगर विचार सिद्धांत को नहीं जानते हो, तुम्हारी जो भक्ति है ना डगमगाती हुई भक्ति, तुम्हारी भक्ति सही भक्ति नहीं। अगर कोई बोला हम दिन भर हरिनाम करें, कथा नहीं सुनेंगे, नहीं, ये हरिनाम भी तुम्हारे साथ ज्यादा दिन साथ नहीं देगा, हरिनाम भी तुम्हें छोड़ देगा, ये हरिनाम भी तुम्हें त्याग दे देगा। इसलिए हमारे महाराज कहते थे जब हरि कथा हो ना सारे चीज को पीछे रखो। हमारे नारायण गोसाई महाराज कहते थे जब हरि कथा होती है सारे चीज को पीछे रखो, बाद में कर लेना हरि कथा। इसलिए हमारे महाराज में ये विशेषता, हमारे महाराज में हरि कथा को ही सबसे ज्यादा महत्व महाराज देते थे। ठाकुर का आरती नियम से होनी चाहिए, ठाकुर का आरती है ना, ठाकुर की सेवा। लेकिन गुरुदेव आरती को जितने ठाकुर को महत्व देते थे, उससे ज्यादा महत्व हरि कथा में देते थे। कोई गुरुवर्ग रूप गोस्वामी तीर्थ में गए नहीं वृंदावन में? गए हो? कौन कौन गए? कौन कौन रूप गोस्वामी तीर्थ में गए वृंदावन में? हाथ उठाओ। वहां पर नियम क्या है? आरती इतना समय होनी चाहिए, टाइम से होता है, होनी चाहिए 6 बजे, 6:30 बजे, होता है 8 बजे। बोले क्यों? हरि कथा हो रही है, हरि कथा हो रही है। इसलिए मैंने देखा महाराज को हरि कथा के सामने और जितने सारे चीज को ना गौण कर देते थे। हैं, बोले विचार को समझो, तत्व को समझो, सिद्धांत को समझो, यही गुरु जी का देन है। गुरुदेव हमें यही चीज देने के लिए आए हैं। अगर असली चीज को, एक समय मथुरा में क्या हुआ, शेष साई प्रभु नाम जानते हो? आपका परम गुरुदेव का शिष्य है। एक समय आपका परम गुरुदेव जहाँ नाट मंदिर है ना, जहाँ नाट मंदिर है वहीं पर आपका परम गुरु जी का भजन कुटीर था, है वहीं पर भजन कुटीर था। बाद में गुरुदेव ने उसको तोड़ करके हरि कथा के लिए नाट मंदिर बनाया। क्यों? जगह नहीं होता था, लेकिन था वहाँ गुरु जी की भजन कुटीर था, वहीं पर भजन कुटीर गुरु जी का जो खाट फाट कुछ कुछ था। लेकिन तब वहाँ शेष साई प्रभु ने कुछ बोले, ये भजन कुटी है। तब महाराज बोले देखो गुरुदेव का जो स्थूल चीज को उतना मत लो जितना लो उनका सूक्ष्म विचार को। यहाँ पर लोग आएंगे, इतने लोग बैठेंगे, हरि कथा होगा, कितने लोगों का परमार्थ लाभ हो, वो चीज को देखो, हैं, ये चीज को देखा करो। इसलिए अब देखना आपका परम गुरु का फटो वहीं रहता था। हम भक्ति प्रज्ञान कैसे हो गोस्वामी महाराज का फटो वहीं पर लगी रहती थी जहाँ पर भजन कुटीर थी। इसलिए उनके लिए छोटी सी वहां पर मंदिर बना कर रखे, भले उनको विचार सिद्धांत तो भी ज्यादा जोर दो, स्थूल चीज में ज्यादा मत दिया करो। उनने क्या सिखा दिया है, वो कब संतुष्ट होंगे? गुरुदेव तभी संतुष्ट होंगे जब उनकी सिख्या वाणी सारा दुनिया में। देखो महाराज जी गए, सारा पृथ्वी में गए, सारा पृथ्वी में गए गुरुदेव। जहां जहां जाओगे तुम्हारी परम गुरुदेव का फट देखोगे, उनका विचार देखोगे, उनका सिद्धांत देखोगे, इनकी तत्व दर्शन को देखोगे, हाँ उनकी तत्व दर्शन को देखोगे, हैं। इसलिए गुरुदेव सबसे ज्यादा महत्व हरि कथा को ज्यादा महत्व दिए। तभी गुरु जी के पास में इतने भक्त लोग हुए हैं जो प्रचार अभी कर रहे हैं सारा दुनिया में। अभी किसी किसी गौड़ी मठ से जब हम रूप गोस्वामी का तिथि करता हूँ, चाहता हूँ किसी दूसरे को बुलाना हम चाहते हैं, लेकिन एक मठ से एक व्यक्ति नहीं निकलता, एक मठ से एक व्यक्ति हरि कथा बोलने वाले नहीं निकलते। लेकिन हमारे मंदिर में गुरुदेव का एक ही शिष्य है, मैंने वहां पर सब, जैसे कृष्णदास प्रभु का नाम देता हूँ, कृष्णदास प्रभु का नाम देता हूँ, जैसे उत्तम प्रभु, जैसे बंशीवर्धन प्रभु, और कुछ कुछ ब्रह्मचारी का नाम दिया। एक बार तीर्थ महाराज जो दूसरे दिन तीसरे दिन हमारे सब महाराज का शिष्य जो कम उम्र इनको नाम दिया था, तीर्थ महाराज तक ये सब किस किस का नाम दे दिया, हमको बोल रहे थे ये सब किस किस का नाम दे दिया, क्या बोलेंगे। लेकिन जो लास्ट दिन कृष्णदास प्रभु जो बोले, हमारे सुंदर गोपाल जो उन्होंने विचार को बोले, और बंशीवर्धन उत्तम प्रभु बोलते हैं, ये सब विचार को सुन करके ना तीर्थ महाराज एकदम दंग रह गए। बोले वाह, इतने छोटे छोटे बच्चे, हाँ इतने छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर सुंदर हरि कथा बोलते हैं, मैं तो सोच रहा था पता नहीं किसका नाम श्रीधर महाराज दे दिया था। हाँ बच्चों का नाम, लेकिन जब उनको विचार उन्होंने सुना है ना एकदम, कारण क्या? गुरुदेव ने, हैं, गुरुदेव ने सब चीज के ऊपर ज्यादा जोर दिया है, हरि कथा में ज्यादा जोर दिया, सिद्धांत को में ज्यादा जोर सिद्धांत के ऊपर में दिया है गुरुदेव, ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, कहीं जा करके तुम्हारी गुरु जी का निंदा सुन लिया, वैष्णव का निंदा सुन लिया,
हाँ हम तो कुछ नहीं जानते हैं। नहीं ये कहते ये अपराध है, ये अपराध है, हैं? नहीं तो सवस्त्र में जाकर क्या करो, कान में अंगुल देकर सवस्त्र में गंगा में स्नान करो, और समर्थ हो तो जीवा काट दो। जीवा काट दो मतलब क्या, उनको अपना विचार सिद्धांत को देकर उनको कथा को खंडन करो। लेकिन खंडन कब करोगे, अंदर में कुछ होगा तभी तो खंडन करोगे, अंदर से खाली है, अंदर से खाली हो पर उनको क्या सिद्धांत को तुम क्या खंडन करोगे। इसलिए क्या करो, सिद्धांत तत्व को समझो और अच्छे तरह से उसमें प्रवेश करो। ये गुरु जी की, हमारे गुरु जी की यही विशेष चीज था, ठीक है ना। इसलिए अभी हमारे श्री क्या नाम, महाराज का नाम, नाम हमारा याद नहीं आता है, क्या नाम है, बोधन महाराज, वंशीवधन, वंशीवधन नाम याद आता है। इसलिए महाराज जगह अभी महाराज जी आप लोगों को ना ऐसे श्लोक आपको पढ़ा रहे ना सबके सब, लेकिन जब तुम लोग हरी कथा बोलोगे ना, हरी कथा बोलोगे दूसरे दूसरे जगह में जाकर के, फिर समझोगे इनका कितना देन है, कितना देन है। इसलिए नियम है जो हमें ये सब चीज को शिक्षा देते हैं ना, उनका क्या स्वार्थ है, कोई स्वार्थ है नहीं, इनका एक ही स्वार्थ है महाप्रभु का वाणी प्रचार हो, गुरु जी का नाम सारा दुनिया में, गुरु जी की नाम, यही तो उनका भावना है ना, सारा दुनिया में महाप्रभु का वाणी जाए, गुरु जी का नाम सारा दुनिया में जाए, है। इसलिए गुरु वैष्णव का जो ऋणी है ना, हम कभी चुका नहीं सकते हैं। और हमें क्या करनी चाहिए, इसके लिए हमें ऋणी बननी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ दिन दो चार श्लोक इसे सीख लिया क्या जानते, फिर गुरु वैष्णव को निगलेक्ट कर, नहीं। कभी जो व्यक्ति है जो ऋणी को है, उसको क्या आगे बोलते हैं, ऋणी को, हाँ क्या आगे शब्द है मेरी याद नहीं आ रही, हाँ कृतज्ञता। ये कृतज्ञहीन व्यक्ति का भक्ति कभी नहीं होता है, जो कृतज्ञहीन है इससे बड़ा पाप और जगत में कुछ है ही नहीं। जो अकृतज्ञ है, हैं? जो अकृतज्ञ, जो किया हुआ भलाई को जो भूल जाते हैं, कहते ये सबसे बड़ा यही अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए अकृतज्ञ कभी भी नहीं होनी चाहिए, हर समय हमें कृतज्ञ रहनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से भक्ति जगत का किस चीज को हम प्राप्त करें तो क्या होनी चाहिए, हर समय उनका, जैसे वृंदावन में परमेश्वर गुरु पढ़ाते हैं, एक एक बच्चों के प्रति कितने ध्यान देते सोच नहीं सकते हो, एक एक बच्चों का प्रति उनका जो ध्यान है ना, स्वयं आरती में आना, कीर्तन में बैठा बैठना, अगर कोई बच्चे नहीं आना तो उसको पूछना क्यों नहीं आए, क्या हुआ, हाँ उसको बुलाना, उसको श्लोक सिखाना, खड़े होकर फिर अलग समय देते हैं उनको, अलग समय दे करके एक एक बच्चों को खड़े करके समझाते हैं, उनको पूछते हैं, अपना समय को दे करके अपना भजन को छोड़ करके ये जो कर रहे हैं ना, ये साधारण बात नहीं। इसलिए हर समय क्या होनी चाहिए, अकृतज्ञ, अकृतज्ञ होनी चाहिए, ठीक है ना। अकृतज्ञ ही भक्ति जगत में ये सबसे बड़ी चीज है, अकृतज्ञहीन व्यक्ति का कभी जीवन में कल्याण होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसे व्यक्तियों का। इसलिए हर समय कृतज्ञता, इसलिए मैं तो अभी मैं कभी कभी दुखी होता हूँ, इसलिए अगर हम लोगों को ऐसे ऐसे कोई एक एक श्लोक को शब्दों को समझा करके बुझा करके खड़े करके ऐसे जैसे महाराज हम लोगों को समझाए समझाए, तभी तो अभी हम थोड़े बहुत कहीं ना कहीं सीखे ना। अगर गुरुदेव अगर हमको नहीं सिखाते हम कहाँ सीखते, कहीं सीखते नहीं। किस लिए, देखो हम लोग सब गुरु जी को शिक्षा गुरु रूप में मानते कि नहीं, हमारे श्री तीर्थ महाराज, माधव महाराज, बन महाराज, प्रेमानंद प्रभु हैं, जितने हम लोग जितने हम थे सबके सब, अभी किसका नाम ले रहे हैं, महाराज का नाम ले रहे हैं, क्यों, वो हमें देखा, श्लोक सिखाया, हमें प्रेम किया, आदर दिया, भजन का बात सिखाया, इसलिए हम हर समय उनकी ऋणी मानते, हर समय उनकी ऋणी मानते। हम सारा दुनिया में जाकर के महाराज का महिमा को सारा दुनिया में गाता हूँ, महाराज हम लोगों के ऊपर कितने कृपा की कितनी। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे भैया ऐसे नहीं, त्रिनादेवी सुनिच होनी चाहिए, हैं, त्रिनादेवी सुनिच होनी चाहिए, सब जगह में त्रिनादेवी सुनिच लगाने शुरू कर दिया, नहीं, त्रिनादेवी सुनिच वहां पर जहां पर वैष्णव है, जहां पर वैष्णव वहां पर त्रिनादेवी सुनिच, जो अवैष्णव है ना वहां पर आचार्य सिंह रूपणे, आपको जो परम गुरुदेव थे, अगर कोई भक्ति का कोई थोड़ा विरोध कोई बोले ना, हमारे महाराज बोलते थे, बावन महाराज बोलते, ले आओ कापी और पेन ले आओ, लिखो लिखो, कैसे उन्होंने महाप्रभु का नाम पर कैसे उन्होंने बोल दिया इसे, एकदम लिखो तुम, बावन गोस्वामी महाराज लिखते थे, उनको लिखवा करके छोड़ो इसको, और उसके लिए केस लड़ते थे, उसके लिए केस लड़ते थे। इसलिए क्या करो, प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए भैया सिद्धार्थ को समझो, ठीक है ना।
सिद्धार्थ को समझो, श्लोक याद करो, अच्छे तरह से बनो, और जब बड़े बन जाओगे फिर पता चलेगा अरे हमारे हमारे ऊपर में गुरु वैष्णव का कितना कृपा है। ठीक है, पिता गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं हंती हंती निंदंती वैदृष्टि वैष्णवा नाम जे अभिनिंदंती क्रुद्धते जाति न हर्ष दर्शने पतनानी सट। कहते हैं छह व्यक्तियों का पतन होता है। किसके किसका? हंती जो वैष्णव को हनन करते हैं, जो काटते हैं, निंदंती जो वैष्णव का निंदा करते हैं, वैष्णवा नाम जे अभिनिंदंती वैष्णव को जो अभिनंदन नहीं करते हैं, क्रुद्धते वैष्णव को देखकर जो क्रोध करते हैं, जाति न हर्ष देख करके आ रहे हैं, कुछ देना पड़ेगा साथ में तो सेवा करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हैं दुखी हो जाते हैं। वैष्णव नहीं प्रसन्न होनी चाहिए। हाँ जे जन वैष्णव का चिनिया लिया आदर करिवे जब वैष्णव को यथा योग्य हमें सम्मान देनी चाहिए। कहते छह तरह से कहते पतन होता है जीवों का, छह तरह से पतन होता है। इसलिए हरिदास ठाकुर जी जब वहां पर हरिदास ठाकुर जी आए, हाँ हरिदास ठाकुर जी आकर के वहां पर एक फुलिया, फुलिया कौन कौन गए हो हाथ उठाओ, फुलिया कौन कौन गए, फुलिया गए नहीं गए, एक एक गया और कौन गया, हम पहले ना फुलिया तुम जाए ना फुलिया तो फुलिया ऐसा। इसलिए पहले हम लोग जो शांतिपुर अंबिका कालना और फुलिया जाते थे, अभी ज्यादा लोग होने पर ज्यादा समय हो जाता, लेकिन हर साल हम गए, हर साल जाते थे पहले पहले, हैं हर साल नवद्वीप परिक्रमा से पहले जाते थे। इसलिए फुलिया जहाँ पर हरिदास ठाकुर जी आए गंगा किनारे में, उन्होंने जहाँ पर सुंदर एक गुफा बना करके, हैं गुफा में वहीं पर हरिदास ठाकुर जी भजन करते थे। लेकिन जब वहीं पर भजन करते थे और वहीं पर रह करके हरिदास ठाकुर जी तीन तीन लाख वहीं पर बैठ करके 3 लाख हरिनाम करते थे, हैं 3 लाख हरिनाम करते थे, और गंगा किनारे में, हैं गंगा किनारे में करते थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, और वहीं पर क्या होता था, कुछ लोग आ करके वहां से वहीं पर बैठ कर हरि कथा सुनते थे, और हरिदास ठाकुर जी दिन में 3 लाख हरिनाम करते थे। 3 लाख हरिनाम में 1 लाख हरिनाम तो उच्च स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर जोर से बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए 1 लाख तो जोर जोर से, और 1 लाख हरिनाम करते थे जो कान तक पहुंचे, हैं जो आवाज कान तक पहुंचे, और 1 लाख जो हरिनाम करते थे मन मन में हरिनाम करते थे। इसलिए 1 साल में कितना होता है बोले 10 कोटि, हाँ बत्सर में 10 कोटि। कहते ये 3 ऐसे ऐसे हरिनाम हरिदास ठाकुर करते थे। लेकिन जब वो हरिनाम करते थे जिस गुफा में भजन करते थे उसमें एक सर्प रहता था, जहरीले सर्प रहता था, हैं इसलिए। लेकिन लोग जब आकर के कथा सुनते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर रहते थे उसमें, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन जो दूसरे लोग आकर कथा सुनते थे उसको ऐसे जहरीलापन होता था, उसका जहर का ऐसे हाँ हवा में इसकी फैलता था, दूसरे लोग बैठ कर कथा नहीं सुन पाते थे, उनको लगता था जैसे कोई जहरीला कोई चीज आ रहा है। एक दिन सब लोगों ने बोले हरिदास जी हम यहाँ पर और कथा सुनने नहीं आ सकते। बोले क्यों? बोले इसको अंदर में लगता है कोई जहरीले सर्प है, तो यहाँ बैठने पर उसकी जो हाँ जो ये आता हवा आता है उसमें लगता है कोई जहरीला सर्प, हम यहाँ पर और कल से हम कथा सुनने नहीं आ सकते। जब ऐसे बोले तो हरिदास ठाकुर जी बोले भैया मेरे को तो कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हरिदास ठाकुर वैष्णव भजन है कृष्ण प्रेमानंद, और उनके अंदर में पीड़ा भी नवकाल कुटता गर्भ से निर्वासन, वो जो कृष्ण विरह भी जो पीड़ा है ना, कहते करोड़ जहरीले सर्प से भी हैं ज्यादा है, वो तो कृष्ण प्रेमानंद भक्ति आनंद में डूबे हुए, उनको ये सब चीज बता गया। लेकिन साधारण लोग तो साधारण है। इतने में हरिदास ठाकुर बोले हे महात्मा जी आप कौन हो, आप इसके अंदर में रह रहे हो, मेरे लिए तो कोई परेशानी है नहीं, लेकिन दूसरे लोग यहाँ पर बैठ करके हरिकथा नहीं सुन पाते हैं, अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मैं ये गुफा को त्याग दे दूंगा। इतना बोलते ही पता नहीं अंदर में कौन सर्प था,
वो धीरे धीरे एक जहरीले सर्प निकला। कहते उसका जो रंग है ना पीले हैं, नील पीले हल्दी रंग का बड़े सुंदर रंग बिरंग का एक जहरीले सर्प उनको सामने निकलते हुए ऐसे ऐसे करते 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 सर्प वहां से कहीं जाकर अंतर ध्यान हो गया। फिर एक गुफा में आकर के लोग बैठ करके एक गुफा में बैठ करके हरिनाम करते थे। यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं इसलिए यहाँ पर जिस समय श्री प्रभुपाद टीका में यहाँ पर कह रहे हैं हाँ इसलिए कहते जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को हरिकथा सुना रहे थे हैं, हरिकथा सुनाते समय तब श्रृंगी ऋषि ने क्या अभिशाप दिया था, 7 दिन में तक्षक आकर तुम्हें दंशन करेगा है, 7 दिन में तक्षक दंशन करेगा। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कहते परीक्षित महाराज कहते भैया ये जो तक्षक दंशन करेगा ना इसके लिए मेरे कोई डर भय नहीं है, क्योंकि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते सुनाते उनको तो तक्षक आने से पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ करके उन्होंने अपना नित्य